माता हमें आशीर्वाद दीजिए। वहां जाने के लिए खत्म हो गया? जी हाँ सर। क्या हुआ, खत्म हो गया? कैसा लगा एपिसोड? हमसे क्या पूछ रही है मैडम, बैरोमीटर से पता कीजिए। पांडे जी बहुत अच्छा, मैंने आज तक ऐसा इमोशनल सीरियल कभी नहीं देखा, हमें इसे जरूर अप्रूव करना चाहिए। टीना मिस्टर भाटिया प्लीज। योर नेम सर? योर नेम? मेरा नाम? आप हिंदी फिल्में नहीं देखती? नो, आई ओनली वॉच इंग्लिश मूवीज। दैट्स व्हाई मुसद्दीलाल मोदी, हैव यू हर्ड ऑफ दिस नेम? नो। एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर मुसद्दीलाल मोदी। यू हैव एनी अपॉइंटमेंट सर? यस आई डू। फर्स्ट फ्लोर। ओ आई सी। अरे गणमन जी, आप यहाँ केटरिंग के सिलसिले में आए थे? नहीं सर, मैंने एक सीरियल बनाया है, उसी का कैसेट जमा करने आया था सर। सीरियल बनाया आपने? अच्छा, कुकरी शो होगा? नहीं नहीं, कॉमेडी। आपने तो जिंदगी में कभी मिठाई के अलावा कुछ बनाया नहीं, तो कॉमेडी कैसे? सर आपसे क्या छुपाना सर, यहाँ पर प्रोग्रामिंग में भाटिया साहब है ना, मैं उनका खानदानी हलवाई हूँ, बस काम बन गया। कहते हैं अगले महीने से टेलीकास्ट करेंगे। लेकिन सर आप फिल्में छोड़कर सीरियल बनाने लगे? नहीं नहीं, मैं तो यहाँ, क्या हुआ कि इनका फोन आया मेरे पास, मैंने कहा चलो ठीक है, फिर एक बार फिर से आया फोन इनका, तो इतनी बार फोन आया तो मैंने कहा चलो एक बार जाके मिल तो आते ही हैं। आपको तो पता ही है कि मैं तो बहुत ही डाउन टू अर्थ आदमी हूँ, 20 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री के अंदर, कभी कोई फिल्मी बात मेरे अंदर तो आई नहीं। सो तो है सर, सो तो है। अच्छा सर मैं चलता हूँ, मेरे दुकान पे कोई भी नहीं है, ठीक बाद में मिलता हूँ। लेकिन सर जब फिल्म शुरू करें आप तो प्लीज खाने का ऑर्डर मुझे ही दें सर। जरूर जरूर जरूर। अच्छा अच्छा सर, गेंदा मल का सीरियल पास हो गया, उसके बाद वो आदमी सामने वाले आदमी का कत्ल कर देता है। नहीं वो ठीक है, लेकिन कत्ल आप किसे करोगे? चाकू से करोगे? जी। और उसके बाद वो जो रेडी है? ओके, रोल साउंड। रोलिंग। कैमरा। रनिंग। पांडे क्लैप। आपसे क्लैप मारने को कह रहे हैं? हमसे नहीं। पांडे क्लैप। आपसे? हमसे नहीं। अरे पांडे जी क्लैप। 41/5 टाइसन। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, इन्होंने मेरे क्लैप के अंदर अपनी नाक घुसेड़ दी। सर इसने मेरे नाक पे क्लैप मारा है, मैंने नहीं घुसाया। अबे पांडे। देखिए सर आप हीरोइन के सामने मेरे इंसल्ट कर रहे हैं, पांडे जी बोलिए प्लीज। अच्छा जी बोलूं मुझे, मैं चले गए यहां से, चले गए यहां से। पांडे की औलाद, आप मेरे पिताजी की इंसल्ट कर रहे हैं, उन्हें श्री पांडे जी कहिए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा जी बोलूं, धमकी देता है मुझे, चले गए यार बात। आपने मुझे थप्पड़ मारा, आपके थप्पड़ की गूंज मैं भूलूंगा नहीं, देख लूंगा आपको। मुसद्दीलाल जी आप? पांडे जी आप यहाँ? अच्छा मेरा ख्याल कोई सीरियल पास कराने के लिए आए होंगे आप यहाँ। जी नहीं, मैं यहाँ सीरियल पास करता हूँ। अच्छा है। हाँ मैंने सुना तो था आप डायरेक्टर हो गए हैं और आपने कोई पायलट भी डायरेक्ट किया है। एक नहीं, उसके बाद मैंने 48 और पायलट डायरेक्ट किए। क्या? जी हाँ, लेकिन टेलीकास्ट एक भी नहीं हुआ, चैनल के चक्कर लगाते लगाते अप्रूवल तो नहीं मिला, लेकिन चैनल में नौकरी जरूर मिल गई। आपने 49 पायलट बनाए हैं सर, आपको तो एयरफोर्स में होना चाहिए था। चुप रहेंगे आप, उधर बैठिए प्लीज। सॉरी प्लीज उधर बैठिए। आइए मुसद्दीलाल जी, बैठिए बैठिए बैठिए। कैसे आना हुआ? बस थैंक यू वेरी मच, बस यूं ही समझ लीजिए, बस सपना क्या है कि थोड़ा जरा सीरियल पास कराने आए हैं। अब आपके यहाँ जो वो प्रोग्रामिंग की इंचार्ज है ना, मिस टीना और मिस्टर भाटिया, उन लोगों के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ उन लोगों के आने का। बस एक मिनट। हेलो। हाँ आपसे मिलने मिस्टर राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर मुसद्दीलाल मोदी मिलने आए हैं। ओके इंतजार करिए, वो आ रही हैं। ओके। हाँ तो हम कहाँ पहुंच रहे थे? उस आदमी की लाश से वो भूत उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है, उसके बाद वो आदमी बोलता है तो लड़की की आवाज निकलती है। पर भूत तो आदमी का घुसा था, फिर आवाज लड़की की कैसे निकलेगी सर? तो भाई लड़की का भूत डाल दो ना। पर मौत तो आदमी की हुई है सर, और आवाज लड़की की कैसे निकलेगी? अब आदमी की ही निकलेगी ना। नहीं नहीं तो ऐसा करिए ना, लड़की को मार डालो। पर सर इस तरह से तो पूरी कहानी चेंज हो जाएगी। तो भाई बेटरमेंट के लिए तो करना ही पड़ता है। पर अगर भूत आदमी का घुसे तो उससे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आदमी के मुंह से लड़की की आवाज नहीं निकलेगी। पर आवाज से क्या फर्क पड़ता है सर? अरे कमाल है आप, भाई ये ऑडियो विजुअल मीडियम है, आदमी के मुंह से अगर लड़की की आवाज निकलेगी तो जबरदस्त
हॉरर क्रिएट होगा। जी जी पांडे जी, काफी देर हो गई, वो मैडम टीना आई नहीं अभी तक। अरे रुकिए, थोड़ा इंतजार करिए, इतनी जल्दीबाजी करेंगे तो सीरियल कैसे बनाएंगे। पांडे जी, मुसद्दीलाल मोदी को यहाँ? हाँ जी, जी हाँ, मुसद्दीलाल मोदी। यस आई एम। कहाँ है आप महाराज? 11 बजे का टाइम था आपका। मैं तो कब का आया बैठा हूँ, आप चाहें तो पांडे जी से पूछ लीजिए, टीना मैडम का इंतजार कर रहा था। खैर थोड़ी आई आई आई, मैं सॉरी। चलिए ओके। आपने इससे पहले कौन सा सीरियल बनाया है? जी मैंने इससे पहले कोई सीरियल नहीं बनाया, लेकिन मैंने 7.5 फिल्में बनाई हैं। आपकी लास्ट फिल्म कौन सी थी? भूखा भेड़िया, आपने जरूर देखी होगी। और टीआरपी कितनी थी आपकी फिल्म की? जी ये टीआरपी क्या होती है? टीआरपी के बारे में कुछ नहीं जानते तो सीरियल का खाक बनाओगे? नहीं, आप मुझे बता दीजिए टीआरपी क्या होती है तो मैं सीरियल बना लूंगा। अरे टीआरपी का मतलब है कि इनको बताइए टीआरपी के बारे में। ही डोंट नो टीआरपी, इन्हें टीआरपी का फुल फॉर्म बताइए। हाँ ये समझेंगे। खैर एनीवेज, टीआरपी का फुल फॉर्म होता है, छोड़िए ना, जाने दीजिए, यू वोंट अंडरस्टैंड। नहीं नहीं नहीं, आप बताइए तो सही, आई विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड। शुक्ला जी आप बताइए ना क्या होता है फुल फॉर्म? टीआरपी का मतलब होता है कुछ में। अब क्या कह रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब समझे आप टीआरपी का मतलब? जी नहीं, मैं तो नहीं समझा, लेकिन अगर आपकी समझ में आ गया तो आप मुझे समझा दीजिए। हमारे पास इतना टाइम नहीं है भाई। खैर ये सब छोड़िए, आप ये बताइए आप बनाना क्या चाहते हैं? मैं मुंशी प्रेमचंद जी के नॉवल पे सीरियल बनाना चाहता हूँ। राइटर कौन है? जी मैंने अभी आपको बताया ना, मुंशी प्रेमचंद जी। अरे नहीं भाई, किसी राइटर से लिखवाओ, मुंशी उंशी से नहीं। यू नो टीवी मीडिया इज राइटर्स मीडिया। जी मुंशी प्रेमचंद हमारे कुछ भी हो, आपके रिश्तेदार भी हो तो भी नहीं चलेगा। आपके पास अगर कोई अच्छी कहानी है तो पांडे जी को सुना दीजिए। क्यों पांडे जी क्यों? वो सुनते हैं, वो हमारे ट्रेनर के बैरोमीटर है। आइए हम भी सुनते हैं। ठीक है, इसमें आप थोड़ा हॉरर लाइए और कुछ चेंजेस जो मैंने बताए वो करके लाइए, बाद में देखते हैं। जी सर। ओके पांडे जी, जरा इनका सब्जेक्ट सुन लेते हैं आप तो। बेटा तेरी तो ऐसी स्टोरी सुनूंगा कि दोबारा स्टोरी सुनाने के काबिल नहीं रहेगा। ये बदला तो नहीं लेगा उस थप्पड़ का। मैंने थप्पड़ मारा ही क्यों था यार। बैठिए मुसद्दीलाल जी, बैठिए, आइए। शुक्ला जी आप भी बैठिए। जी हाँ सुनाइए। तो कहानी का नाम है पीढ़ी, क्योंकि ये पीढ़ियों की कहानी है। ये नाम ठीक नहीं है, सीढ़ी कर दीजिए आप। सीढ़ी? लेकिन ये सीढ़ी नाम तो मेरी कहानी के साथ जाता नहीं। पर डोंट वरी, जाएगा। नाम कॉमन होना चाहिए ताकि हर एक की जुबान पे चढ़ जाए। अब सीढ़ी क्या है, हर कोई चढ़ता है, इसलिए आप आगे चढ़िए। कहाँ चढ़ूं? आप आगे बढ़िए। जी तो कहानी का नाम है सीढ़ी, क्योंकि ये पीढ़ियों की कहानी। सुबह का वक्त है, सूरज की लालिमा चारों तरफ फैल रही है। एक एक साल का बच्चा और एक 90 साल का बूढ़ा दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। अतीत और भविष्य? नहीं ये नाम ठीक नहीं है, दोनों चेंज कर दीजिए। ये अतीत और भविष्य कैरेक्टर्स के नाम नहीं है, ये तो उपमा है। उपमा? कुकरी शो बना रहे हैं क्या? नहीं कुकरी शो नहीं, मैं फैमिली ड्रामा बना रहा हूँ। तो उपमा कहाँ से ले आया? वो ये खाने वाला उपमा नहीं है, उपमा का मतलब यहाँ पे है एग्जाम्पल, मिसाल। तो मिसाल कही है ना। हाँ आगे बढ़िए। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। जी लेकिन क्यों देख रहे हैं? इसलिए क्योंकि जो 90 साल का बूढ़ा आदमी है वो उस छोटे से बच्चे का परदादा है। वो एक दूसरे को देख रहे हैं, सामने से एक व्हीलचेयर पे एक बूढ़ा सा आदमी चला रहा है। कितने बूढ़े हैं इसमें? बस दो ही हैं, एक दादा और एक परदादा। भाई एक काम करिए, ये दादा की जगह आप दादी को ले आइए। मगर क्यों? क्योंकि ग्लैमर, सेक्स अपील, सीरियस में सेक्स अपील चाहिए सर। तो दादी जो है व्हीलचेयर पे आ रही है। आगे तो क्या होता है कि व्हीलचेयर की स्पीड जो है वो एकदम बढ़ जाती है और व्हीलचेयर परदादा की तरफ जाने लगती है। इतने में बाप, बाप कौन? बच्चे का बाप। बच्चे का बाप आता है और दादी को रास्ते से हटा देता है ताकि दादी जो है वो परदादा से टकरा ना जाए। तो टकराने दीजिए जी। हाँ अरे दादी व्हीलचेयर पर परदादा से टकराती है और परदादा की एक्सीडेंट में मौत। क्या क्या बात है, पहले ही एपिसोड में झटका। आगे वो बच्चा जिसने अपनी आंखों से अपने परदादा को कत्ल होते देखा है, आज दादी से नफरत करने लगा है। कहानी में रिवेंज, गुड गुड। सस्पेंस है इसमें, सस्पेंस क्रिएट करेंगे। क्या दादी अपने आप व्हीलचेयर से टकराई या व्हीलचेयर अपने आप खिसक गई? वाह वाह, कमाल का स्कोप है आपकी कहानी में भाई। आपकी कहानी सीढ़ी तो पीढ़ियों तक चलती जाएगी। वाह, लेकिन ये मेरी कहानी नहीं है। जो भी है बस मुझे पसंद है। ओके अप्रूव। रिजेक्टेड। क्यों? आप वो पंडित जी तो अप्रूव कर दी थी। हम रिजेक्ट कर रहे हैं।
लेकिन पांडे जी तो आप कह रहे थे ना कि आपके यहाँ के बैरोमीटर हैं। हाँ, तो बैरोमीटर कहता है कि आपकी कहानी नहीं चलेगी। तो फिर क्या चलेगा? आप कोई दूसरी कहानी लाइए। कौन ही लेके आऊं? ये तो मार्केटिंग में मिस्टर पटेल है, उनसे पूछना पड़ेगा। नहीं भाई, कॉमेडी तो मैं अप्रूव नहीं करूंगा, कुछ और प्रोग्राम बनाइए। कुछ और क्या बनाए सर, आप बताइए। भाई प्रोड्यूसर आप हैं, आपको पता होना चाहिए दर्शक क्या पसंद करते हैं। कैसे पता चलेगा? टीआरपी से। टीआरपी? ये टीआरपी क्या होती है? टीआरपी नहीं जानते? टीआरपी मतलब टीआरपी। टीआरपी छोड़िए, आपको टीआरपी भी नहीं पता तो फिर आप प्रोग्राम क्या बनाएंगे? नहीं सर, मुझे टीआरपी पता है। क्या मतलब? टीआरपी का मतलब है टीआरपी। गुड गुड, तो बताइए क्या बनाएंगे आप? सर मुझसे तो आप कॉमेडी बनवा लीजिए। अरे कॉमेडी के लिए मैंने कहा ना, आजकल क्या है कॉमेडी बहुत हो गई, आप लोगों को रुलाइए। आजकल क्या है, औरतों का इमोशनल ड्रामा बहुत बिकता है, लोगों को दुख देखना है तो दुख दिखाइए। क्या सर, लेकिन दुनिया में चारों तरफ दुख ही दुख है। है वही तो देंगे ना, जो नहीं है वो कैसे देंगे, यही तो रोल है। जिस चैनल पर एड है वहाँ एड ही एड है, और जहाँ पर नहीं है वहाँ बिल्कुल नहीं। पर सर, पर कुछ नहीं, क्या है कि आप लोगों को रुलाइए, कॉमेडी नहीं इमोशनल ड्रामा बनाइए। ठीक है, इमोशनल ड्रामा बनाया तो ठीक है, कॉमेडी बनाई तो दो बातें होगी, या तो लोग हंसेंगे या तो आप लोगों को हंसाएंगे। हंसेंगे तो ठीक है, मगर हंसाएंगे तो दो बातें होगी, या तो लोगों का सर दर्द होगा या तो नहीं होगा। नहीं हुआ तो ठीक है, मगर सर दर्द होगा तो दो बातें होंगी, या तो टीवी बंद कर देंगे या तो चैनल बदल लेंगे। टीवी बंद किया तो ठीक है, मगर चैनल बदला तो दो बातें होंगी, या तो दूसरे चैनल की टीआरपी बढ़ेगी या तो नहीं बढ़ेगी। नहीं बढ़ी तो ठीक है, मगर टीआरपी बढ़ी दूसरे चैनल की तो दो बातें होंगी, या तो दूसरे चैनल को ऐड मिलेंगे या तो नहीं मिलेंगे। नहीं मिला तो ठीक है, मगर दूसरे चैनल को ऐड मिले तो फिर हमारे चैनल का क्या होगा? नहीं नहीं, आप दर्शकों को हंसाने के लिए हमें रुला नहीं सकते, आप दर्शकों को रुलाइए, समझे? जी मुसद्दीलाल जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी गेंदामल जी, कैसे हैं आप? ठीक हूं सर। क्या आपके सीरियल का क्या हुआ? हो गया सर, सब हो गया, मगर एक प्रॉब्लम है, मैंने कॉमेडी बनाया था लेकिन वहां हंसी आती नहीं, बाकी सब ठीक है। तो क्या करेंगे आप? बस कहते हैं जहां जहां लोगों को हंसाना हो वहां वहां पीछे नकली सी डाल दो। ये ठीक है, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा कि हंसना कहाँ पे। क्या होता है कई बार कॉमेडी सीरियल के अंदर ही लोगों को समझ में नहीं आता कि हंसना कहाँ पे। हाँ, आपका क्या हुआ सर? मेरा क्या है, 5-6 कहानियां सुना चुका हूँ, वो पांडे जो कहानी सिलेक्ट कर लेता है बाकी सब उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ कोई खाने पीने का चक्कर तो नहीं है? आप तो भाटिया साहब को जानते हो, भाटिया साहब बड़ी तारीफ कर रहे थे आपकी, कह रहे थे कि भाई वाह कमाल का आदमी, तो जरा हमारा भी जुगाड़ लड़ाइए ना वहाँ पे। ओके सर, भाटिया साहब से मैं बात कर लेता हूँ, लेकिन सर खाता बहुत है। कहाँ सारा खाता हो यार, 30,000 रुपए पर एपिसोड और 4 एपिसोड का एडवांस। बस 4 एपिसोड का एडवांस? देखिए 30,000 के हिसाब से 1,20,000 रुपए ये सही नहीं। कभी स्टेशन पे लगी मशीन से वजन तोला? हाँ तोला है। कैसे करते हैं? या मशीन के ऊपर खड़े हो जाते हैं, फिर वो गोल सा चक्कर जो है वो घूमना बंद कर देता है, उसके बाद आप उसमें सिक्का डालते हैं, उसके बाद वो मशीन आपको आपका वजन बताती है। और आप बिना सिक्का डाले वजन पता करना चाह रहे हैं? हाँ जी। हाँ जल्दी बोलो यार, मशीन बंद करने का टाइम हो रहा है। नहीं बनवा दिया सर। अरे यार जल्दी बोलो, हाँ या ना। हाँ, ये लो मेरा कार्ड, घर पे आ जाना कल शाम को, तुम्हारी फाइल डायरेक्ट ऊपर पहुंचा दूंगा, नीचे वालों को चक्कर। ठीक, आप एक काम करिए, दोबारा से इसे कॉमेडी स्लॉट के लिए सबमिट कराइए। आई विल ट्राई। ओके ओके सर, एक बात बताइए। क्या? ये टेरेस कहाँ है? तो नीचे जाना है? नहीं सर, अब तो ऊपर जाना है। अरे मुसद्दी लाल जी, क्या हाल है? बस ठीक ठाक है, आप कैसे हैं? बढ़िया है बड़ा, क्या बात है, जल्दी में आओ। वो उषा जी के साथ अपॉइंटमेंट है ना मेरा, उन्होंने कहानी फाइनल कर दी है मेरी। लेकिन आपने तो मुझे कहानी सुनाई नहीं। अब क्या पांडे जी के सीढ़ी से जाने की बजाय मैं पीछे से लिफ्ट से चला गया डायरेक्ट टॉप पे। चलता हूँ, उषा जी इंतजार कर रही होंगी ना मेरा, है ना? डायरेक्ट टॉप पे लिफ्ट से? कोई बात नहीं बेटा, फाइनल कैसेट तो मेरे पास ही आएगा ना। बना ले पायलट, बना ले, लेकिन तो हवाई जहाज नहीं उड़ा पाएगा। वैसे कहानी तो आपकी अच्छी है, पर इसमें और स्कोप है। हाँ प्लीज बताइए ना। हाँ मतलब आपने रखा है कि लाला किरोड़ी लाल की 4 जवान बेटियां हैं। जी जी हाँ? जी, मेरे हिसाब से कम से कम 7-8 तो होनी चाहिए। उसका क्या है, मतलब 7 ट्रैक्स निकलते हैं ना, 7ों की एंगेजमेंट, 7ों की शादियां वगैरह। क्यों बैठिए सर? जी जी बहुत फ्रेश है, मेरा मतलब काफी नया पन है। हाँ, और सास का रोल तो मेरी सास को ही देना पड़ेगा आपको।
अच्छा ये बताइए, आपने कुछ पंजाबी गाने वाने डाले हैं कि नहीं उसमें? नहीं मैडम, ये तो मारवाड़ी फैमिली की कहानी है ना। ओफो, अरे आजकल तो मद्रासी शादी में भी पंजाबी गाने चलते हैं। एनीवे एनीवे, आप बजट की बात पटेल साहब के साथ कर लीजिए। ओके जी। भाई ये लीजिए, 1,60,000 में आपका सीरियल अप्रूव्ड। 1,60,000? सर 1,60,000 बहुत कम है सर, आप जरा बजट को ध्यान से देखिए। आपने देखा नहीं, जरा बजट ध्यान से देखिए सर। ये देखा है ये आर्टिस्ट के 10,000? नहीं नहीं, इसको 5,000 दीजिए सर, इससे कम में को काम नहीं करता सर। ये 5,000 लिखा है उसको 2,500 कीजिए, 2,500 लिखा है उसको 1,25,000 कीजिए, 1,25,000 लिखा है वहाँ 625 कीजिए, और इसको तो सिर्फ 25 दीजिए, और ये तो फ्री में आता है, और इसको ये तो आपको सामने से पैसा देता होगा, मुझे पता है। ऐसा क्या? हाँ भाई, टोटल हो गया 1,40,000। डन। नहीं 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 सर, 1,40,000 नहीं, अभी तो आप 1,60,000 कह रहे थे ना। तभी मैंने फाइल देखी नहीं थी ना सर। 1,40,000 के अंदर सीरियल नहीं बन सकता सर। अरे भाई सब बनता है, हमने भी प्रोडक्शन संभाला है समझे। क्वालिटी भी तो कोई चीज होती है सर। नहीं, हमारे टेलीकास्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है सर, फिर भी आप थोड़ा सा बजट तो बढ़ा दीजिए सर। क्या? आप थोड़ा बजट बढ़ा दीजिए सर। सुने नहीं देता सर, थोड़ा बजट बढ़ा दीजिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। तो कमाल है, मैं इतनी जोर से बोल रहा हूँ और आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही। पब्लिक फोन से फोन किया है कभी आपने? हाँ किया है। कैसे करते हैं? पहले फोन डायल करते हैं, उसके बाद दूसरी तरफ से कोई आदमी उठाता है तो आप सिक्का डालते हैं और आपकी आवाज उस तक पहुंचती है। हाँ तो बिना सिक्का डाले आवाज कैसे पहुंचेगी? फोन करना आता नहीं और सीरियल बनाने चले हैं आप? आता सर, आता। हाँ तो सिक्का डालिए। मैं समझ गया सर, तो कहाँ हूँ सर? ये मेरा घर का एड्रेस है, बस यहीं पर सिक्का डाल दीजिए। ठीक है सर। सर आप ये सीरियल तो अप्रूव कर दीजिए ना। भाई शूट करके जमा करा दीजिए, बाकी एक बार मैंने कहा ना अप्रूव्ड तो अप्रूव्ड। अप्रूव्ड। Rejected. मगर क्यों? क्योंकि एपिसोड में ट्विस्ट नहीं है। भाई प्रोडक्शन वैल्यू बहुत बुरी है, बारात में बराती ही नहीं है, मतलब जूनियर आर्टिस्ट मंगाने चाहिए थे ना ज्यादा। क्या है कि शादी में इमोशंस उभर के नहीं आते। उभर के नहीं आती मतलब? बाहर नहीं निकल के आ रहे, पर टीवी के बाहर नहीं आती। नहीं नहीं, बाहर से हमारा मतलब है, मतलब कुछ मजा नहीं आ रहा, यू नो। देखिए देखिए, ये तो अभी शुरुआत है ना, आहिस्ता आहिस्ता कहानी जोर पकड़ेगी ना। देखिए तब तक तो सीरियल ही ऑफ हो जाएगा। अरे क्या है, ये टीवी का जो गेम है ना, 4 एपिसोड का गेम है। जब सीरियल नया नया शुरू होता है तो 4-5 एपिसोड लोग देखते हैं, 10-15 हम उन्हें दिखा देते हैं, बाकी को उनको झेलने पड़ते हैं। फिर भी भाई एक कहानी का कुछ एक मूड होता है, कुछ एक सुर होता है, कुछ एक ताल होती है। भाई म्यूजिक शो नहीं बना रहे हैं आप, सोप बना रहे हैं, और सोप में सिर्फ एक सुर ताल होता है, वो और वो है बैंग। बैंग मतलब हर एपिसोड के एंड में एक बैंक। मतलब दरवाजा खुला, बैंक, ड्राम 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 ड्राम, फ्री। कौन है दरवाजे पर, देखिए अगले एपिसोड। ऐसे करके 500 एपिसोड लोग खींच गए, आप तो 26 में ही पैकअप करा लेंगे सर। तो फिर आप बताइए मैं क्या करूं। आप थोड़ा रीशूट करके देखिए, शादी के पहले जो फंक्शन है उसमें रियलिटी डालिए, मतलब एक शादी और डाल दीजिए, 2-3 पंजाबी गाने डाल दीजिए, रिसेप्शन को ठीक कीजिए, विदाई के सीन को रीशूट कर लीजिए, और कुछ खाने की डिशेस वगैरह बढ़ा दीजिए, मतलब कुछ रियल तो लगे। मतलब वो जो सुहाग रात का सीन है उसको और ज्यादा रियल कर दूं? नहीं नहीं जरूरत नहीं है, वो ठीक है, ये सारे चेंजेस करा के जमा करा दीजिए। ओके ओके, जहां एक्टर नहीं हंसता वहां ऑडियंस को हंसाना है। यू गॉट मी? मैं कमन सर। हाँ ओके, आइए मुसद्दीलाल जी, आइए। ले आए क्या सेट? जी सर, जो जो चेंजेस आपने कहे थे वो सब मैंने कर दिए हैं, अब मेरा ख्याल में अब तो अप्रूव हो जाना चाहिए। अरे अप्रूव तो पहले ही हो जाता, सब गेम सेट कर रखा था, पांडे ने गड़बड़ कर दी। वो पांडे, पांडे पायलट? हाँ वही, मैडम बहुत सुनती है, उसकी फाइनल डिसीजन उसी के हाथ में होता है। अरे आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, वो तो मेरा थर्ड असिस्टेंट रह चुका। क्या बात कर रहे हैं आप, तो जाके कहिए ना उससे। भाई बहुत बढ़िया कहानी है आपकी, आप इसका पायलट बना के लाइए, फिर हम देखते हैं। ओके सर, आर्टिस्ट कौन कौन से लेंगे? वो नेक्स्ट मीटिंग में डिसाइड कर लेंगे, फोन कर लेना ठीक है? जी सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय। क्यों ना बेटा, टॉप फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर में क्या कर रहा है? अबे तुझ गधे को बाप बनाने आया हूं। कैसे हैं पांडे जी? बढ़िया है मुसद्दीलाल जी, हो गया आपका सीरियल अप्रूव? अरे कहा हो गया है। क्यों, बढ़िया तो बनाया आपने, मैंने देखा मुझे अच्छा लगा, गुड। क्यों मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ, मुझे मालूम है आप मुझसे नाराज हैं। नाराज? आपने मुझे थप्पड़ मारा है जो मैं आपसे नाराज होऊंगा? नहीं, वो गलती से जो 3 साल पहले मैंने आपको थप्पड़ मारा था ना, उसकी गूंज आज तक मेरे कानों में आ रही है। देखिए आप चाहें तो मुझे थप्पड़ मार लीजिए, लेकिन मेरा ये सीरियल अप्रूव कर दीजिए। अरे मैं आप पर हाथ कैसे उठा सकता हूँ? नहीं, नहीं नहीं नहीं, आपको हाथ उठाने की क्या जरूरत है, हाथ तो मैं उठाऊंगा आपका, अपने गाल के पास लाऊंगा और थप्पड़ मारूंगा। क्या हुआ मुसद्दीलाल जी? मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे थप्पड़ मार दिया।
देखिए मेरे 10 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं 4 एपिसोड पे, आप प्लीज मेरे एपिसोड अप्रूव कर दीजिए। अप्रूव? हाँ। मैं रिजेक्ट करता हूँ। नहीं 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 नहीं, रिजेक्ट नहीं, अप्रूव करना है आपको। देखिए मुसद्दीलाल जी, मेरे रिजेक्ट करने से मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ठीक है, मेरा क्या है, मैं अप्रूव करता हूँ। ओके, अप्रूव। रिजेक्टेड। क्या? मगर क्यों? देखिए आपने तो पूरे सीरियल को ही बदल डाला। देखिए मैंने वो तब्दीलियां की हैं जो आपने मुझे करने के लिए कही थी। आप यकीन मानिए मेरी बात का कि मैंने अपने दिमाग से इतना सारे काम नहीं किया। यही तो प्रॉब्लम है प्रोड्यूसर लोगों का, अपना दिमाग तो चलाते नहीं। कहानी हम फाइनल करें, स्टार कास्ट हम फाइनल करें, डायरेक्टर हम फाइनल करें, पैसा हम फाइनल करें, और फाइनली सब कुछ हम ही फाइनल करें, तो हम ही ना प्रोड्यूस कर लें। नहीं, पर आप ये बताइए ना कि गलती कहाँ पे है। अरे जनाब पूछे कहाँ रही है गलती। सीरियल की शुरुआत करते हैं आप शादी से। भाई शादी के पहले भी तमाम रीति रिवाज होते हैं। 13 एपिसोड खा गए आप। मैं खा गया 13 एपिसोड? एंगेजमेंट सिर्फ एक ही एपिसोड तक रखी है। हाँ, शगुन आप जो मैं निकाल सकते थे। लेडी संगीत 3 एपिसोड और कॉकटेल पार्टी 1.5 एपिसोड। गोद भराई 4 एपिसोड तक जा सकती थी। गोद भराई तो शादी के बाद होती है। पहले होती है? जी नहीं, शादी के बाद होती है। अरे नहीं, पहले होती है बाबा। अरे मैडम शादी के बाद होती है भाई। गोद भराई का मतलब क्या है? गोद भराई का मतलब है कि लड़की जब शादी करके जाती है, उसके बच्चा पैदा होने वाला होता है, उसको कहते हैं गोद भराई। शादी के बाद होती है, पहले नहीं होती। लेकिन मेरी तो पहले हुई थी। अच्छा, लेकिन ये गलत है। हा? गलत? आप मैडम को गलत बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि शादी से पहले गोद भराई गलत है। गलत है? मैडम कुछ भी कर सकती है। मैडम पागल हो सकती है, मैडम बदतमीज हो सकती है, मैडम इडियट हो सकती है, मैडम गलत नहीं हो सकती। He is absolutely right and madam is wrong. I mean madam is right. भाटिया जी, मेरे ख्याल से हमने गलत प्रोड्यूसर को ये शादी वाला सीरियल दिया है। इसे तो हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं वाले की नॉलेज ही नहीं है। हमें प्रोड्यूसर चेंज कर देना चाहिए। मैडम प्लीज 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 मैडम, देखिए अगर आप कहेंगे तो मैं गोद भराई तो क्या, शादी से पहले बच्चे की डिलीवरी तक करवा दूंगा, लेकिन प्लीज आप मेरा सीरियल रिजेक्ट मत कीजिए। मैडम प्लीज, मैडम रिजेक्ट मत कीजिए, एक मौका दीजिए मुझे। गिव मी वन चांस प्लीज। सॉरी मुसद्दीलाल जी। सॉरी? मेरे 12,40,000 रुपए लगे हुए हैं और आप कह रहे हैं सॉरी? 12,40,000? जी। कहा 10 लाख कहा था ना आपने। झूठ मत बोलिए, 2,40,000 खामखा बढ़ा रहे हैं आप। खामखा बढ़ा रहा हूँ मैं? अच्छा, वो जो 1,20,000 रुपए वजन तोलने वाली मशीन में डाले थे उसका क्या, और जो 1,20,000 रुपए का सिक्का डाला था मैंने टेलीफोन में उसका क्या? आप तो, आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही। वो मशीन खराब होगी। मतलब फाड़ने गई मशीन? मुझे मेरे पैसे चाहिए। क्या? कैसे पैसे? मतलब क्या? अरे आपने देखा नहीं कि वजन तोलने वाली मशीन में सिक्का डाल सकते हैं, निकाल नहीं सकते। हाँ हाँ, और पब्लिक फोन में एक बार सिक्का डाल दो फिर रॉन्ग नंबर भी हो ना तो भी सिक्का वापस नहीं मिलता ना। मतलब मेरे पैसे मुझे वापस नहीं मिलेंगे? देखिए मुसद्दीलाल जी, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया। हाँ, आपकी किस्मत खराब है तो हम क्या कर सकते हैं। पांडे जी को जो आपने थप्पड़ मारा था उसकी गूंज आज आपको सुनाई दे रही है। भाई पांडे जी को जो मैंने थप्पड़ मारा था उसके बदले में पांडे जी ने मुझे थप्पड़ मार दिया है, और उन्होंने मुझे एश्योर किया था कि आपका सीरियल अप्रूव्ड। अप्रूव्ड? अरे पांडे जी के अप्रूव्ड कहने का मतलब क्या होता है ये आपको मालूम है? क्या होता है? रिजेक्टेड। रिजेक्टेड? पर आप तो कहते हैं कि वो आपके चैनल का बैरोमीटर है। अरे काहे का बैरोमीटर, 49 खराब पायलट बनवा चुके हैं, एक भी सीरियल टेलीकास्ट नहीं हुआ। हाँ, यानी कि उनको खराब चीजें पसंद आती हैं। उनको जो पसंद आ गया वो गया काम से। सद्दीलाल जी, लोग तो पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, आपने कुल्हाड़ी पे पांव मारा है। पर आप गलती हमारी बता रहे हैं, जाइए कोई दूसरा पायलट बनाकर आइए। ओके, मेरी बात सुनिए, ये जो पायलट मैंने आपको दिखाया है मैं इसी को रीशूट करके आपको दिखाता हूँ, और इस तरह से रीशूट करके लाऊंगा कि पांडे जी जैसे ही उसको देखेंगे उसको रिजेक्ट कर देंगे और आप लोग जैसे ही उसको देखेंगे उसको सिलेक्ट कर लेंगे। प्लीज एक काम करते हैं ये। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे किसी की शादी का कैसेट हो। नो 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 नो, बकवास, मैं तो कहता हूँ रिजेक्टेड। क्या बात है, क्या सीरियल बनाया, मजा आ गया मुसद्दीलाल भर जाते हैं। प्रोडक्शन वैल्यू इतनी अच्छी है, मतलब इतने सारे जूनियर आर्टिस्ट बनाती है, बजट बढ़ा देते हैं। हाँ। अरे खाना इतना रियल लग रहा था जैसे रियल शादी हो भाई। अरे वो शादी का ही कैसेट है। क्या इमोशन उभार रहे हैं आप, बिल्कुल रियल। वाह। हाँ। क्या सीरियल आपका। मुझे तो अपनी शादी की याद आ गई। अप्रूव्ड। थैंक यू। अरे मैडम मेरी बात मानिए, वो शादी का ही कैसेट है। चुप। सतीलाल जी, ऐसा क्या बना दिया आपने जो? अरे गैदावल जी, मेरे पास घर पे ना मेरा शादी का कैसेट रखा हुआ था, वही उठा के मैंने इन लोगों को दे दिया और इन लोगों ने अप्रूव कर दिया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।